अधिवेशन अचल अढ़े सप्ताह हेलानी हेले एचआई स्वाभाविक हेलानी पार्लियामेंट रो मौसुमी अधिवेशन पेगासस प्रसंगे विरोधी सरकार को कोण ठेसा करी रखिथिबा बळे आलोचना पई धराछुआ देउनी शासक दल सेपटे टीएमसी सांसद डायरेक्ट ओब्रायन को पापड़ी चाट प्रसंगे माछ तरकारी कथा उठाइछंती केन्द्रमंत्री तथापि बीजेपी नेता मुख्तार आवास नकवी जुलाई 19 तारीख रु आसी अगस्त 4 तारीख हला हेले एजाए स्वाभाविक होई पारलानी पार्लियामेंट रो मौसुमी अधिवेशन सरकार एवं विरोधी मध्यरे टणा ओटरा लागी रहितबा बेले अधिवेशन रो प्रथम 2 सप्ताह पूरा धोई जाईथिला आउ चलित सप्ताह रो अधा मध्य बर्बाद होई गला पेगासस फोन हैकिंग प्रसंग रे विरोधी सरकार को कोण ठेसा करी रखिछंती प्रसंग उपरे आलोचना पई विरोधी जेते दाबी कले मध्य सरकार धरा छुआ देउना एभली परिस्थिति रे 14टी विरोधी राजनैतिक दल पेगासस प्रसंगे मिलित बिबृति जारी करिछंती इजराइल स्पायवेयर द्वारा बहु भारतीयों फोन हैकिंग एक संवेदनशील जातीय सुरक्षा प्रसंग सरकार किंतु संवेदनहीन केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह प्रसंगे पार्लियामेंट रे उत्तर रखापी से दावी करिछंती अधिवेशन अचलावस्था सीधा सड़ख से सरकार को दायी कर and freedom and our constitution you are destroying and also our fundamental rights you are taking and what moral authority you have got to talk this the opposition is coming and they are disturbing you people also when they were in power the disruption they did nearly 2 sessions washed out सुप्रीम कोर्टर किछि विचारपति किछि प्रतिष्ठित वरिष्ठ सांबादिक अनेक विरोधी दल नेता एपरिकी सरकारर दुई जण मंत्री मध्य पेगासस स्कैनर रे अछन्ति किंतु सरकार विरोधी को दाबी को फू फू करी उड़ाई चली प्रसंग उपरे आलोचना करिबा ना धरुना बरं विरोधी को दे चली छंती दोष अब दिक्कत ये हुई है कि विपक्ष के अधिकांश लोग ये कहते हैं कि हम पार्लियामेंट को चलाना चाहते हैं हम चाहते हैं कि संसद के सत्र में चर्चा हो डिबेट हो डिस्कशन हो सारे मुद्दों पे बातचीत हो लेकिन विपक्ष का स्वयंभू चौधरी बनने के चक्कर में ये विपक्ष के उन लोगों की सकारात्मक जो जिनकी सोच है उनको भी हाईजेक करने की कोशिश करते हैं और इसका नतीजा हो रहा है कि हर दिन जो है वो खर्चा रुपया और चर्चा चवन्नी पार्लियामेंट के अंदर होगी और फिर बाद में कहेंगे कि पार्लियामेंट में डिबेट नहीं हो पा रहा है डिस्कशन नहीं हो पा रहा है किसने मना किया डिबेट डिस्कशन ना हो करो आप डिबेट भी करो डिस्कशन भी करो डिसीजन भी करो पार्लियामेंट तो इसीलिए है ना पार्लियामेंट चली पारू ना सरकार किंतु यहारी भितरे बिल परे बिल पास कराई नबारे व्यस्त ए हेउची से सब बिल जहाँ सरकार तरबरिया भाव में पास कराई नहीं छन मात्र 8 मिनिट आलोचन पास होईची मेराइन नेविगेशन बिल से भली जुभेनाइल जस्टिस बिल 5 मिनिट्रे फैक्टरिंग रेगुलेशन बिल 7 मिनिट्रे कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड बिल मात्र गोटे मिनिट्रे राज्यसभा आलोचना करा जाई पारित होई से भली लोकसभा फैक्टरिंग रेगुलेशन बिल 13 मिनिट्रे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल 6 मिनिट्रे इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरपसी बिल 5 मिनिट्रे सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स एंड डिमांड्स फॉर एक्सेस ग्रांट्स बिल 9 मिनिट्रे 4 नंबर आप्रोप्रिएशन बिल 3 मिनिट्रे इनलैंड भेसलेस बिल 6 मिनिट्रे एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल 14 मिनिट्रे आलोचना करा जाई पारित होई पार्लियामेंट्रे एमिति तरबरिया बिल पास को पापड़ी चार्ट सहित तुलना करी शासक दलर टार्गेटर शिकार होती तृणमूल कांग्रेस सांसद डायरेक्ट ओब्रायन पार्लियामेंट्रे एने प्रबल हट्टगोल पर एवं डायरेक्ट ओब्रायन को माछ तरकारी जाचिंट केन्द्रमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी नकवी कहवा कथा पापड़ी चार्ट प्रति जदि डायरेक्टर आलर्जी रही तेज से माछ तरकारी खातु किंतु पार्लियामेंट को फिश मार्केट करंतु नहीं अगर उनको चाट पापड़ी से कोई एलर्जी है तो फिश करी खा लें लेकिन पार्लियामेंट को फिश मार्केट ना बनाए अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से संसद की गरिमा और सम्मान को पूरी तरह से धूल धूसरित करने की षड्यंत्र और साजिशों के साथ काम हो रहा है वो संसदीय इतिहास में ऐसी घटना देश ने नहीं देखी है और न संसद के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है
आप संसद की गरिमा को धूल धूसित करेंगे, उसका उसका उसको जो है उदाहरण इस रूप से देंगे कि तमाशा दिखाई पड़ेगा। मुझे लगता है इस तरह की हरकतें जो है वो न उनके हित में है और न ही जो है वो संसदीय परंपराओं और गरिमा के हित में है। विभिन्न प्रसंग को नहीं विरोधी एवं सरकार को मध्य चली कथा कटाकटी, किंतु लोक एवं देशर स्वार्थ संबलित प्रसंग साइड हो जाउछि। एमितिरे अधिवेशन प्रथम दुई सप्ताह में 107 घंटा चलवाकूबा संसद 18 घंटा भी चली पारिना। खाली से नुहे खालीटा करदाता 133 कोटी अधिक टंका पानी रे पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया।